मंगला गौरी पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस प्रकार से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा को तो कम से कम करना ही चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात वैवाहिक महिला अपनी सास एवं ननंद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाली दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियमानुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पुत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। यहीं पर हमारी मंगला गौरी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।